पूरी गंगा को कर दिया जवान, 20 गांवों से डला बाढ़ का खतरा। हापुड़ और मेरठ के आसपास के गांव में बूढ़ी गंगा तबाही मचाती थी, लेकिन अब एक सामूहिक प्रयास ने इस पूरे इलाके में हालत बदल दी है। चंदा जमा कर बूढ़ी गंगा की सफाई करवाई, जिससे अब बाढ़ का खतरा नहीं रहा। बूढ़ी गंगा अब तबाही नहीं लाती। दर्जनों गांवों में हर वर्ष मानसून आने के साथ ही ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती थी, मगर एक सामूहिक प्रयास ने इस पूरे इलाके में हालात बदल दिए। बूढ़ी गंगा की धारा अब इन गांवों से दूर हो गई है। खादर क्षेत्र में 2 गांवों के किसानों ने आपस में पैसा एकत्र कर बूढ़ी गंगा में जान डाल दी। 13 लाख एकत्र करके विलुप्त हो गई बूढ़ी गंगा की सफाई शुरू करा दी। एक साल में 7 किलोमीटर बूढ़ी गंगा को कब्जा मुक्त कराते हुए सफाई कराती गई, जिससे गंगा की बाढ़ का पानी अब गंगा किनारे बसे 20 गांवों में नहीं जाकर वापस बूढ़ी गंगा में आएगा। करीब 6 दशक पहले गंगा की धारा हस्तिनापुर से लेकर गढ़मुक्तेश्वर नगर से लगकर बहती थी, परंतु आज यह धारा 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा चुकी है। जबकि पुरानी गंगा को बूढ़ी गंगा का नाम देते हुए उस पर कई गांवों में कब्जा कर लिया गया था। इसके चलते गढ़ तहसील के 23 गांवों को बाढ़ की विभीषिका से दंश झेलना पड़ रहा है। चंदे से सुधरे हालात, परंतु पिछले साल खादर की तलहटी में बसे गांव रामपुर, न्यामतपुर और साकरपुर के किसानों ने आपस में चंदा एकत्र करना शुरू कर दिया। इसके बाद ग्रामीण अपने विधायक के पास पहुंचे और 1 लाख रुपए का सहयोग लिया। आपस में चंदा एकत्र करना शुरू हुआ तो 13 लाख रुपए जुड़ गए। किराए पर जेसीबी तथा अन्य मशीन लेकर सफाई शुरू कर दी। एक साल में 7 किलोमीटर बूढ़ी गंगा साफ हो चुकी है। पिछले साल साफ हुई बूढ़ी गंगा में आज पानी भरा हुआ है, जबकि आगे के लिए सफाई चल रही है। सहयोग से 20 गांवों की बदल गई सूरत। सहयोग करने वाले किसान हरविंद सिंह ने 3 लाख रुपए दिए, जिसका कहना है कि आपस में पैसे एकत्र कर बूढ़ी गंगा सफाई कर रहे हैं। आज गंगा खादर के 20 गांवों का जंगल ठीक हो गया है। गंगा के बाढ़ की विभीषिका से फायदा मिल रहा है। गंगा का पानी अब खेत में रुकेगा नहीं और गांव में नहीं जाएगा, बूढ़ी से आगे गढ़ में जाकर गंगा में मिल जाएगी। किसान रंजीत सिंह ने 50,000 रुपए दिए हैं, जिसका कहना है कि बूढ़ी गंगा कब्जा ली गई थी, अब खादर का हाल ही बदल जाएगा, बाढ़ से नुकसान होना बंद होगा। किसान सुखराज ने 1 लाख रुपए, जिसका कहना है कि 20 गांवों में होने वाली बाढ़ की त्रासदी से लाभ मिलेगा। 4.5 किलोमीटर दंदा गंगा जा चुकी है। इस बार गढ़ खादर के हजारों बीघा जंगल गंगा ने छोड़ दिया है। अवैध कब्जा हटवाया विधायक। भाजपा के गढ़ विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने 1 लाख रुपए अपने पास से दिए, जिनका कहना है कि 2 गांवों में अवैध कब्जा नहीं हट रहा था, वो भी हटवाया है। आज बूढ़ी गंगा खुदने से कई गांवों की तस्वीर ही बदलने लगी है। गांव के होने वाले नुकसान से लाभ मिलना शुरू हो गया। दूसरे नाले को तो इस बार सिंचाई विभाग से टेंडर कर दिया है, परंतु बूढ़ी गंगा इस विभाग में नहीं आ रही थी, इसलिए इसके लिए किसानों ने चंदा एकत्र किया और ये काम शुरू कर दिया गया।